हाँ जी बेटा, असर्शन रीजनिंग फ्रॉम चैप्टर मेरे पास जो है रिलेशन फंक्शन। आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको पता है कि कोई ना कोई आपको एक स्टेटमेंट दी होती है असर्शन की फॉर्म में, मतलब दैट इज फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन विद आंसर, है ना। जैसे मैं आपको अगर देखूं तो लोअर क्लास में से समझाऊंगा, जैसे मान लीजिए आपको दिया है एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 इज 49 पाई, ठीक है। ये असर्शन की स्टेटमेंट दे दी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो रीजन दे दिया एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, दो स्टेटमेंट दी। अगर मैं असर्शन का देखूं कि एरिया ऑफ सर्कल का वैसे फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर विद रेडियस 7 दिया था, तो बिल्कुल सही है 49 पाई, असर्शन ट्रू थी। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला तो आप पाई आर स्क्वायर लगाते हो, रीजन भी ट्रू है, करेक्ट है ना स्टेटमेंट, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। और यहां पर असर्शन में वो रीजन भी अप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स 100% रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन होगी वो टिक करेंगे। हमारे पास बेसिकली असर्शन और रीजनिंग में चार ऑप्शंस होती हैं बेटा। पहली, बोथ स्टेटमेंट जो है असर्शन एंड रीजन, कई बार ऐसे लिख देते हैं, या बोथ रीजन स्टेटमेंट, सॉरी वन एंड टू, दो स्टेटमेंट दी होती है, ऊपर वाली असर्शन दूसरे वाली जो है रीजन, ठीक है। मेरे पास वो भी दी होती है, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट रीजन या एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन, पहले तो ये दिया होता है। सेकंड मेरे पास बी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, वो करेक्ट हैं, बट टू इज नॉट रीजन फॉर वन। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर मैं रीजन टू में मैं लिख देती सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज मेरे पास 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस होता 2 पाई आर है, बट वो पहली स्टेटमेंट का रीजन नहीं था, क्योंकि वहां पर क्या यूज हो रहा था, एरिया यूज हो रहा था, तो दैट इज नॉट ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है दैट इज द थर्ड ऑप्शन, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स, ओके। डी ऑप्शन मेरे पास, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स है ना बट टू इज ट्रू, यही चार ऑप्शंस होती हैं असर्शन रीजन, इसके अलावा कोई और जो है ऑप्शन नहीं होती, नहीं, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन दी हूं वो आपको दी होंगी, हमें कोई टेंशन नहीं, दोनों फॉल्स हैं दोनों ट्रू हैं, आपको हर चीज के रीजन वहां पर दिए होते हैं, आपने उनमें से देखना कौन सा, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, मेरे पास वो है फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वन, द रिलेशन आर इन ए सेट ए 1 2 3 4 डिफाइंड बाय आर एक्स वाई 3x-y इक्वल टू 0 हैव डोमेन
as 1, 2, 3, 4 and मेरे पास हो गए रेंज 3, 6, 9, 12. सेकेंड स्टेटमेंट दी है डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर इज रिस्पेक्टिवली द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्रीज. मेरे पास जो है एंट्रीज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑर्डर. अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले चेक करना होता है, सबसे पहले मैथ में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा. अगर मेरे पास रिलेशन ये है, आपकी डोमेन क्या होगी, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 4 पुट कर सकते हो. आउटपुट क्या आएगी, जब 1 पुट किया y की वैल्यू 3, 2 पुट किया y की वैल्यू 6, 3 पुट किया 9 और 4 पुट किया 12. ये डोमेन और ये रेंज बिल्कुल करेक्ट थी, यानी असर्शन करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोई गलत तो नहीं है ना यहां पर. अब आ जाओ सेकंड, मैं रीजन देखूं. अगर वो कहता जो डोमेन और रेंज होती है ना किसी रिलेशन में, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड रेंज इज द सेकंड एलिमेंट, यही होता है ना, उसने यही लिखा, दैट मींस रीजन भी करेक्ट है. और यही रीजन यहां यूज हुआ ना, क्योंकि हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं रिलेशन में ऐसे 1, 3, फिर मेरे पास 2, 6 लिखते हैं ना सारे, तो जो डोमेन है वो फर्स्ट एलिमेंट, रेंज सेकंड एलिमेंट, तो ये इसका रीजन है ना. तो दैट मींस आउट ऑफ दिस विच ऑप्शन इज ट्रू, फर्स्ट. दोनों अलग अलग भी ट्रू हैं और जो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट रीजन फॉर दिस. ओके कि नहीं, बात समझ आ गई बेटा. तो दैट मींस फर्स्ट इज, यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, हमें आंसर इसी में ही दिया होता है, असर्शन में आंसर दिया होता है, हमने वो आंसर को चेक करना है जो दिया है वो सही है कि नहीं. अच्छा मान लो अगर इसी में ही मैं ये ना लिखती तो असर्शन इज नॉट द करेक्ट, रीजन करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है और रीजन भी इसका सही है, तो दैट मींस मेरे पास जो है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू. ओके जी, आपने देखना कौन सा सूट करता है उन चारों ऑप्शन में, ये वेरी भी कर सकते. ओके क्लियर बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहली बार असर्शन रीजनिंग कर रहे हैं हम. चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, एक और करते हैं, लेट अस डू वन मोर. सेकेंड, फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ natural number and such that xy belongs to natural number and 2x प्लस वाई 24 मेरे पास, देन
R is an equivalence relation. मेरे पास R जो है वो equivalence relation है. अब second statement क्या दी हुई है? A relation is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. अब बेटा देखिए, ये रीजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी रिलेशन को आप बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हो? जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव भी हो. 100% आर ट्रू है. अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट देखनी है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? आप खुद ही सोचो. अगर मैं कहती हूं एक्स एक्स, ये 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 24, ये 3x इज इक्वल टू 24, तो x कितना आ गया? 8. और 8 उसी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है ना, तो दैट मींस 100% है मेरे पास जो है. यहां पर अगर देखूं तो चेक करूं इसको कि ये मेरे पास ऑप्शन ट्रू है कि नहीं है. रिफ्लेक्सिव है अगर मैं देखूं, बट 1 के लिए पुट करूं, 1 इसमें नहीं लाई करता. 2 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होता. 3 के लिए नहीं होता, 3 के लिए नहीं लाई करता. अच्छा चलो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देखें. सिमेट्रिक तो देख के ही पता चलता है आपको. अगर मैं x की जगह y, y की जगह x कर दूं, चेंज नहीं हो जाएगा? जब एक ही बीच में नहीं है तो इसमें बाकी चेक करने की जरूरत है? उसने कहा था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तो ट्रू ही नहीं. ये ट्रू है, तो यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू. यानी बाकी सारा चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं आपको. ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई सबको? चलूं आगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, क्लियर टू एवरीवन? बाकी ओके. चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास हो गए. लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेटमेंट फर्स्ट दी हुई है, इफ द रिलेशन आर डिफाइन जो है मेरे पास इन ए सच दैट 1 2 3 बाय ए रिलेशन बी. इफ मेरे पास उसने कहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल्स टू 5, देन वो कहते हैं ए इनवर्स जो है ना वो रिलेशन आ रही रहेगा. अब बेटा इनवर्स रिलेशन पता कैसे निकालते हैं? ए की पावर 1 माइनस 1 सॉरी, जैसे 1 2 एक एलिमेंट है तो ए इनवर्स पता क्या हो जाएगा? 2 1. 3 5 एक एलिमेंट है, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 5 3. यानी एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, बस यही इंटरचेंज करते हैं. तो उसने कहा कि अगर मैं इंटरचेंज भी कर दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आप जरा खुद देखिए, पहले तो हम एलिमेंट्स निकालें, चेक करें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, कि दोनों का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें और मॉड जो है वो हमेशा 5 या 5 से लेस ही हो. तो सबसे पहले मेरे पास जो है 1 1 1 0, देन 1 2, 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर,
सेटिस्फाई करता ना, फाइव से लेस ही है। उसके बाद टू टू थ्री टू, थ्री का स्केयर नाइन, नाइन माइनस टू का स्केयर फोर, फाइव, फाइव भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर मेरे पास हो गए टू थ्री, देन थ्री थ्री, मैंने सारे ले लिए। देखो कैसे स्टार्ट किया, वन का वन के साथ, वन का टू के साथ, वन का थ्री के साथ। अगर मैं वन का थ्री के साथ लेती हूं, वन माइनस नाइन माइनस एट, क्या वो ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। वन और थ्री देखो मैंने नहीं लिखा। अब टू का वन के साथ चलेगा, टू के साथ थ्री चलेगा, फिर थ्री का वन के साथ नाइन माइनस वन एट नहीं चलेगा, थ्री का टू के साथ नाइन माइनस फोर फाइव चलेगा, थ्री का थ्री के साथ जीरो। मैंने सारे लिखे कि ये मेरे रिलेशन, नहीं बेटा ये मैंने खुद लिखे हैं, ये मैंने आपके लिए बनाया है रिलेशन। अब मुझे सेकंड स्टेटमेंट क्या दी हुई है इसमें कि फॉर्म अबव रिलेशन, स्टेटमेंट टू जो बता रही हूं ये देखिए, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज रेंज ऑफ आर, मुझे ये कहा गया, बताया बिल्कुल सही है उसने कि मेरे पास हो गए डोमेन जो आर इनवर्स की होती है ना, क्योंकि उल्टा कर देते हैं, वो रेंज आर की है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है अगर मैं देखूं तो। अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट देखूं, अगर मैंने आर ये निकाला, ये मेरे पास आर आया, आर इनवर्स निकालूं, वन का वन उल्टा किया तो वन वन ही रहना है, वन टू का उल्टा, मैंने टू वन लिखा भी नहीं था ये, ठीक है जी, ये सेम ही रहना है, ये क्या बन जाएगा वन टू, इसका उल्टा टू थ्री, इसका उल्टा थ्री टू, ये थ्री थ्री। अगर आप देखो ये दोनों सेम नहीं आए, तो यही उसने कहा था। अब देखो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, मेरी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, बट क्या मुझे आप बता सकते हो कि ये वाला इसका रीजन है? हम तो इनवर्स में ये रीजन थोड़ा कहते हैं, हम इनवर्स में कहते हैं कि अगर आर में एक्स वाई एलिमेंट हैं तो आर इनवर्स में वाई एक्स एलिमेंट हो जाते हैं, बस ये रीजन कहते हैं। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर वन। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? बी। बात समझ आई बेटा सबको? क्लियर टू एवरीवन? चले बेटा आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ आई एम रबिंग, आई विल सेंड द क्वेश्चंस इन द ग्रुप, डोंट वरी। हां जी बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट वन, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू पाई, देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज r। ओके, स्टेटमेंट सेकंड दी हुई है, दिस इज स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। व्हाट इज रिटन? कॉट इनवर्स वाई दैट बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। अब देखो है डोमेन रेंज का क्वेश्चन है, बट इसमें साइन जो है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स आ गया है ना, तो हमने बहुत ध्यान से मतलब हर चीज को स्टडी करना है। तो बेटा स्टार्ट कैसे करेंगे देखिए, मैं ये रब करने लगी, अब ये तो हमें ऑप्शंस पता ही है ना, तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस हियर। अब बेटा देखिए
मुझे स्टेटमेंट क्या दी हुई है, अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई। मैं कॉट इनवर्स को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, मेरे पास क्या आया, कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई। अब आपको पता है बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस पाई जो है वो हमेशा जीरो से बड़ी है बट पाई से छोटी। रीजन क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स जीरो और पाई के बीच में लाई करता है कि नहीं करता। तो यहां पर बेटा मेरे पास जो है, मैंने स्टार्ट किया यहां से वैल्यू पाई दोनों तरफ ले जाऊंगी तो मेरे पास पाई एक्स स्क्वायर लेस देन टू पाई, तो दैट मींस एक्स, आपको पता है एक्स स्क्वायर आ गए तो यहां पर जो है रूट आ जाता है और हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं इसको a, जैसे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन a लेस देन b, तो बेटा हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू मेरे पास माइनस जो है a इंटू माइनस b यूनियन b टू a। अब मेरे पास ये आंसर आया, अगर मैं देखूं तो दैट मींस कि मेरी स्टेटमेंट, उसने डोमेन कहा ऑल रियल, मेरी क्या निकली ये वाली टर्म, यही निकली ना, दैट मींस स्टेटमेंट वन तो फॉल्स है, स्टेटमेंट टू ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? मेरे पास जो है स्टेटमेंट जो है अगर आप देखो तो कॉट इनवर्स वाई जो है वो हमेशा जीरो टू पाई के बीच में ही लाई करते हैं। स्टेटमेंट वन फॉल, स्टेटमेंट टू ट्रू, बस बात खत्म। ठीक है जी, डी ऑप्शन आपकी थी जो वहां से सिलेक्ट की गई। बट अब जिस बच्चे को ये डोमेन वगैरह याद नहीं है उनके लिए क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? चले आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, जैसे जैसे आप बुक से करते जाओगे आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करता जाता है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा। ठीक है जी, तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट दी हुई है फर्स्ट, इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर सेटिस्फाई द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर दैट इज गिवन टू मी एंड एफ ऑफ थ्री दैट इज टू देन एफ ऑफ एक्स वाई माइनस वन, ये एक तरह का फाइंड आउट करना है हमने। We have to find out this. Now, what is second statement? F of x is f of 1 by x for all x belonging to R, x not equal to 0. Now, beta, f of 2, 7 by 3, if f of x, x square plus x plus 1, x square minus x जो है plus 1। पहले तो मैं देख के ही बता सकती हूं, जो एक चीज मेरे को क्लियर, क्या ये वाला रीजन इसमें कहीं अप्लाई हो सकता है? हो ही नहीं सकता है ना। इसका मुझे इतना पता चल गया कि मेरे पास जो है ये करेक्ट रीजन नहीं है, करेक्ट रीजन नहीं है। वैसे ये करेक्ट है, हम चेक कर सकते हैं कैसे, अगर मैं टू पुट करूं यहां पर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, इधर फोर माइनस वन और प्लस वन, जब चेक किया मैंने फोर माइनस टू टू
टू प्लस वन थ्री, बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक ये बिल्कुल करेक्ट है। एफ ऑफ टू दिया नहीं, वो दिया हुआ था मैंने, वही पुट करके देखा ना बेटा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, चल रही है टेंशन फ्री, ये करेक्ट है, ये इसका रीजन भी नहीं है, नहीं है ना। तो मेरे दिमाग से तो मैं अगर लगाऊं तो सेकंड ऑप्शन बनती है, बट एक बार इसको चेक जरूर कर लिया। कैसे, अगर एफ ऑफ थ्री टू दिया हुआ है, अगर एफ ऑफ थ्री टू दिया है, यानी इसको एक को थ्री एक को वन ले लूं, थ्री माइनस वन ऑप्शन आ रही है, ओके, कोई टेंशन वाली जरूरत तो नहीं ना। तो अब मैं इसको यूज भी कर सकती हूँ यहाँ कोई भी वैल्यू निकालने के लिए, बट जब वो ट्रू है तो मैंने टेंशन क्यों लेनी, ओके जी, क्लियर कोई? हाँ जी बेटा, फिर करने तो है ही है ना। थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम देखें ना, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, बट सॉल्व करने से हमारे 100% श्योर हो जाते हैं, मुझे पता लग रहा है ये रीजन ट्रू है, मुझे ये पता चल गया ये ट्रू है, बट ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो मैंने वहां कर दिया था, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट, सेकंड लास्ट, ओके, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, और इक्विवेलेंस रिलेशन पे ज्यादा आते हैं। देखिए व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय, मेरे पास a b r c d दैट इज इक्वल टू a प्लस d b प्लस c फॉर ऑल a b c d बिलोंगिंग टू n क्रॉस n इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली स्टेटमेंट दे दी, सेकंड मेरे पास उसने क्या दिया, एनी रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अरे क्लियर कट, सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है ना, और क्योंकि इसको इक्विवेलेंस शो करना है, यानी ये इसका ट्रू रीजन भी है ना। अब बात रहेगी कि ये कैसे नेचर का, वैसे तो मैं आपको बताऊं जितने भी बुक के क्वेश्चन है ना, आपको टिप्स पे होने चाहिए कि ऐसा स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंस होता है कि नहीं होता, 100% होता है। मैं आपको शो कर देती हूँ कैसे, सिमिट्री के लिए, ये डबल वाला है, सिमिट्री के लिए कैसे करेंगे देखना ध्यान से जरा। फॉर सिमिट्रिक पहले रिफ्लेक्सिव ले लें, इजी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए बी आर ए बी, जो यहां लेते हैं वही यहां लेते हैं। अगर आपको याद हो हम ए ए लेते थे ना, बट यहां पर वो क्या है, सेम सेम है, तो ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो ए, मैं यहां ए रिलेशन ए लिखूंगी क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ए बी ए बी ए ए नहीं लिखूंगी, ओके जी, क्लियर। ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो मेरे पास होंगे बेटा यहां पर देखूं कैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड इधर, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड का सम करना, यही करना ना, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और, ये सही है, ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल हो सकता है ना, विच इज ट्रू, देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें सिमेट्रिक की, मेरे पास क्या होता है, ए बी रिलेशन सी डी, प्रूफ क्या करना मैंने, सी डी रिलेशन ए बी, उल्टा ही करते हैं ना, अगर आपको याद हो ए रिलेशन बी बी रिलेशन ए, प्रूफ करना होता है हमने, यहां ऑर्डर्ड पेयर है तो अप्लाई करो, ए प्लस डी बी प्लस सी
क्योंकि मैंने प्रूफ करना है। देखो बेटा सी डी रिलेशन ए बी, यानी सी पहले आना चाहिए ए बाद में, डी पहले आना चाहिए बाद में, तो मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ ना। मेरे पास हाँ जी मैं पोजीशन इंटरचेंज कर दूं, ए प्लस डी है डी प्लस ए है, कोई फर्क तो नहीं ना। सी प्लस बी है बी प्लस सी है, कोई फर्क तो नहीं ना, सेम ही है ना दोनों, तो दैट मीन हमारे पास जो है ये सिमेट्रिक भी है। अब बात करें ट्रांजिटिव की। अब देखो जिस बच्चे को ऑरली पता होगा ना कि हाँ जी ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, उसने कुछ प्रूफ करके नहीं देखना, उसने सीधा राइट कहना है। तो हमें जो है कोशिश करो बार बार स्टेटमेंट पढ़ने की, ताकि आपके दिमाग में वो स्टेटमेंट ही सेट हो जाए और आपको उतना ही इजी करना पड़ेगा। ओके जी, अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए बेटा, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था अगर मैं आपको बताऊं, हम आगे क्या लेते थे ट्रांजिटिव के लिए, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, और प्रूफ करते थे ए रिलेशन सी। ये जब सिंगल सिंगल एलिमेंट होता था। अब ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी रिलेशन सी डी, सी डी रिलेशन ई एफ इंप्लाइज ए बी रिलेशन ई एफ, यानी ये प्रूफ करना है हम। समझ आई मेरी बात? तो अब देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये ट्रू है तो बेटा क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का सम, यानी ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल, मार्क दिस फर्स्ट। ओके ये ट्रू है, फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू डी प्लस ई। मुझे क्या चाहिए इसमें से, ए और एफ चाहिए, ए और एफ सबको ऐड कर दे। जब मैं ऐड करूंगी ए डी सी एफ बी सी डी ई, ये कैंसिल ये कैंसिल, ए प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल, यही प्रूफ करना था। दैट मीन्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। हमें तो पता ही था क्योंकि बुक की स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। बार-बार